सो इंटरप्रिटेशन तक हमने कर दिया था, यहाँ पे डिस्कस कर लिया था हमने डिस्कस कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स में हम लोग जो रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के उसको प्रेजेंट करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आया, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जो भी रिजल्ट आया है, चाहे प्रॉफिट आया हो या लॉस आया हो या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन जो भी बिजनेस की है, उसको हम एक्चुअल में बताते हैं स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स जैसे कि मैंने बताया आपको, इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है कि बिज़नेस में क्या हो रहा है, या जिनको हमें पेमेंट करनी है, या जिनसे हमने लोन लिया हुआ है, लेंडर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ये इनको हम लोग एक तरीके से इंटरेस्टेड पार्टीज़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ डेटा का, फाइनेंशियल डेटा का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब क्या है, बताना। तो जब आपके, आप अपने फर्म के, आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट करते हो, बताते हो यूज़र्स को, और जो यूज़र्स होते हैं वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जैसे इम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो कैसे एनालाइज़ करेंगे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें बोनस भी मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो इस बार हमें बोनस नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट है तो वो किस तरीके से एनालाइज़ करेगी कि कंपनी की जितनी ज़्यादा इनकम होएगी वो उतना ही ज़्यादा क्या पे करेगी, टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। तो हर कोई अपने अपने तरीक़ों के हिसाब से उस डेटा को यूज़ एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेटा, फाइनेंशियल डेटा में क्या हो सकता है, प्रॉफिट्स हो गए, लॉस हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग वाला जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो रखा है, हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आ जाता है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम लोग एक्चुअल में एक तरीके से कंप्लीट रिकॉर्ड कर पाते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन का, यानी कि जितने भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं आप उसका रिकॉर्ड कर पाते हो, डे वाइज, डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड आप उसको कर पाते हो। क्योंकि इन केस अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो अगर आप खुद बताओ, अगर आप मार्केट में कोई आपकी शॉप है तो एट द एंड कई बार आप काउंट करते हो तो एक आपको पता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल 20, 30 या 50 कोई एक तरीके से कस्टमर्स आए, तो सबका रिकॉर्ड तो याद नहीं रखा जाता ना कि कौन कितने का सामान खरीद करके गया है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपने रिकॉर्ड कर रखी है कि कौन सा पर्सन कितने का सामान लेके गया है, कितनी की आपने सेल करी है, तो ऐसे केस में कोई ओमिशन या फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट करना प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंटिंग की हेल्प से, क्योंकि हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, हमारी इनकम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग अपनी सेल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, लॉसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, गेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जब सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनकी हेल्प से हमें एक्चुअल में पता लगता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ इस साल या फर्म को क्या हुआ, एक तरीके से लॉस हुआ, ठीक है। तो कितना परचेज़ किया, कितना सोल्ड किया, कितना बच गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने खर्चे हुए, तो इन सभी की हेल्प से हमें ये पता लगता है कि फर्म को इस बार प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसमें यही चीज़ आ जाती है कि अकाउंटिंग की हेल्प से हमें एक्चुअल में पता लग जाता है कि इन केस अगर फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और इन केस अगर इस बार लॉस हुआ तो क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, अगर दो मैनेजर्स हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है या परचेज मैनेजर है, अगर उनकी लड़ाई हो गई आपस में, ठीक है, और उनकी लड़ाई होने की वजह से एक मैनेजर ने रिज़ाइन दे दिया, और वो जो जिस पर्सन ने रिज़ाइन दिया वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छा, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस था, जैसे ही वो कंपनी छोड़ करके गया तो कंपनी को संभालने के लिए कोई ऐसा, मतलब पर्सन जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसा कोई पर्सन था ही नहीं। इसी वजह से क्या हो गया, सेल्स गिर गई, प्रॉफिट गिर गया, तो या फिर एक तरीके से कह सकते हैं लॉस का रीज़न क्या था, रिज़ाइन गिवन बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर फ्रॉम द कंपनी,
ठीक है, तो रीजंस का पता लग जाता है। नेक्स्ट पता लगता है हमको, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा एसर्टेन करना फाइनेंशियल पोजीशन को, कि बिजनेस को एक्चुअल में पता लग जाता है कि क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और वो हमें कैसे पता लगता है, बैलेंस शीट की हेल्प से, ठीक है। और बैलेंस शीट को तभी बनाया जाता है जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना चुके होते हो। तो ट्रेडिंग और ग्रॉस, ट्रेडिंग से पता लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का। और इन दोनों की के बाद ही जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं, लेकिन जिसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द ईयर टू ईयर, कि इससे हमें एक्चुअल में ये पता लगता है कि कितना हमारा जो बिजनेस है वो ईयर टू ईयर प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पहले साल आपका प्रॉफिट 20,000 था, दूसरे साल आपका प्रॉफिट 30,000 था, और तीसरे साल आपका प्रॉफिट 50,000 था, यानी कि पहले 20 हुआ, फिर इंक्रीज़ होके 30 हो गया, फिर इंक्रीज़ होके 50 हो गया, तो ये आपको एक्चुअल में बता रहा है, प्रॉफिट आपको एक्चुअल में ये बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि एक्चुअल में आपके हर साल आपका बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यानी कि बिजनेस आपका क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग में आप रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, जिसकी वजह से एरर और फ्रॉड्स के चांसेस बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, एक तरीके से हमें पता लग जाते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, अकाउंटिंग की हेल्प से हम लोग बहुत सारे जो भी हमारे फाइनेंशियल डेटा आए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आया या नेट प्रॉफिट आया या जो भी चीज़ें हैं, वो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं वेरियस पार्टीज़ को, जैसे कि ओनर्स, ओनर्स कौन होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर्स में हम लोग पैसे लगाते हैं वैसे, क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें पेमेंट देनी होती है, हमने कोई चीज़ उधार पे उनसे खरीदी होती है, पहले परचेज किया होता है, उसको हमें पेमेंट करना होता है, बैंक्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गया, तो आप इनको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अबाउट द फर्म। तो ये आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए।